यीशु और उनके शागिर्द फिर बैतसैदा की तरफ चले गए। जब लोगों को मालूम हुआ तो वो उनके पीछे हो लिए। दोपहर पतरस ने उनसे कहा, मालिक अब लोगों को भेज दीजिए ताकि वो करीबी शहरों और देहातों में जाकर अपने खाने पीने का कोई बंदोबस्त कर सकें। ये तो बिल्कुल वीरान जगह है। तुम खुद दिने खाने के लिए कुछ दो। हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। मुबारक है तू खुदावंद है हमारे खुदा, कायनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी पैदा करता है। Thank you for watching.